नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम इस कार्य को करने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ऐसे हो जाती है जो ये कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस कार्य को पूरी तरह पूरा करना, तो आपको ज़रूरत है सही विधि की। जी हाँ, क्योंकि एक सही विधि, एक सही उपाय ही किसी कार्य को सार्थक करने में पूरा सहयोग दे सकता है। कई बार हम किसी से प्यार करते हैं और उसे अपनाने के लिए हम कई टोटकों को अपनाते हैं, कई बताए गए नियमों को अपनाते हैं, लेकिन उस विधि में हमने सही मंत्र का प्रयोग नहीं किया, जिसलिए शक्ति नहीं होती, या वो मंत्र अभिमंत्रित नहीं होता, या फिर वो विधि किसी अनजान इंसान की बनाई गई होती है, जिसके कारण उस विधि का असर ज़ीरो होता है। आपकी परेशानी 100% वहीं की वहीं रह जाती है। वो परेशानी कभी ख़त्म ही नहीं होती, और ख़त्म होगी भी कैसे, क्योंकि आपके पास जो विधि है वो गलत है। जब तक विधि सही नहीं होगी, परेशानी का हल नहीं होगा। आज मैं आपको सही और सरल विधि बताने जा रही हूँ, जिसे अगर आप अपनाते हैं तो आपका कार्य पूरी तरह सही होगा, क्योंकि ये विधि सिद्धि की विधि है। जो विधि में मंत्र की आवश्यकता होगी, वो ऐसे ही कोई मंत्र आपको नहीं बता देंगे। हर मंत्र का अपना एक महत्व होता है, अपनी एक शक्ति होती है, एक और होता है, और ये मंत्र की राशि के हिसाब से, ग्रह के हिसाब से अलग अलग होता है। कोई भी मंत्र, कोई भी प्रयोग करे, ऐसा नहीं होता। तो आज जो मंत्र मैं आपको बताऊंगी, वो मंत्र अभिमंत्रित होगा, और वो मंत्र भी शक्तिशाली मंत्र होगा। इसके उच्चारण मात्र से ही आपका कार्य पूरा हो जाएगा, और आपको कुछ और करने की, किसी विधि को अपनाने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी तांत्रिक के पास जाने की कभी आवश्यकता पड़ने वाली ही नहीं है। और इसमें जो सामग्री चाहिए, वो सामग्री आपको रसोई में आसानी से उपलब्ध होती है। सामग्री के लिए भी आप बाहर जाने के लिए मुझे सामान लाकर दे दो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपको रसोई में जाना है, और रसोई में रखे लौंग के डब्बे में से आपको 27 लौंगें निकालनी है। बस सामग्री के नाम पर आपको चाहिए ये 27 लौंग, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो आइए, बिना समय बर्बाद करे मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। आपको सुबह के समय स्नान करके एक साफ जगह पर बैठ जाना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि विधि करते वक्त कोई भी आपको ना देखे। अगर कोई आपको देखता है तो वो टोक देता है, जिससे ये कार्य जो है वो कार्य खत्म नहीं हो पाता, इसकी शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब आप ये कार्य करें तो कोई भी आपको ना देखे। अब आपको वो 27 लोगों को खुद ही अब अभिमंत्रित करना है, और वो किस तरह से करना है, एक मंत्र आपको बताया जाएगा। उस मंत्र को आपको बोलना है, और आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, जिसे भी कोई कार्य कराना चाहते हैं, चाहे प्रेमी हो या प्रेमिका, या आपका बॉस हो, या कोई भी जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, उसका नाम लेकर आपको ये काम करना है। एक लौंग को अपने ऊपर 3 बार उबारना है, ऐसे ही आपको 27 लौंग के साथ करना है। और फिर जब ये आप कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है। आप इस कार्य को चलते फिरते भी कर सकते हैं। इतना करना है कि कहीं भी आप बैठे हैं तो अपने एक लौंग को अपने मुँह में रख 3 बार उसे काटना है, और फिर थूक देना है, और ऐसा आपको 27 के 27 लौंगों के साथ करना है। जैसे ही आपके 27 लौंगें पूरी होने वाली होंगी, आप देखेंगे कि ये असर कितनी जल्दी करता है, कैसे ये आपका उस इंसान जो आपसे रूठ गया है, वो आपको आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा, और वो खुद आपके कार्य को पूरा करेगा। तो बिना समय बर्बाद किए आपको ये विधि अपनानी है, आपको इस कार्य को करना है, और जो मंत्र है वो आपको गुरु जी से प्राप्त करना है। जी हाँ, आपको स्क्रीन पर लगातार एक नंबर दिखाया जा रहा है, इस नंबर पर फ़ोन करके आप अपनी राशि बताएंगे, तो गुरु जी आपको राशि के हिसाब से और ग्रह के हिसाब से मंत्र दे देंगे। और फिर जब उस मंत्र का प्रयोग आप इस विधि में करते हैं, तो देखिएगा ये विधि कितनी सार्थक होती है, कितनी आसानी से आपका कार्य पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद करें, अपनी परेशानियों को ना बढ़ाएं, और अपने जो कष्ट हैं उसे दूर करें इस आसान सी विधि को करके। तो आप इस विधि को कैसे और अपने आप को खुश रखें, और भी कोई समस्या है तो आप गुरु जी से बात करके अपनी हर समस्या का हल ले सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान गुरु जी के पास ना हो। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु जी को कॉल करें, और अपनी सारी समस्या का हल लें। जय माता दी।